नमस्कार, मैं श्रीलता। आज की आवाज की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। इस खबर को समझिए, जहां सपा के गढ़ में बीजेपी की ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। अमनपुरी में आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की चुनावी जनसभा होनी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा भी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि बीजेपी की ओर से दिग्गज मैनपुरी में उतरेंगे। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं तो कहीं जनसंपर्क तो बड़ी बड़ी रैलियां, छोटे से बड़े हर एक हथियार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर नुक्कड़ सभाएं होंगी तो वहीं पर जनसंपर्क अभियान भी होगी। और यहीं आपको बताते चले कि बड़ी रैली का भी आयोजन हो रहा है। कौन कौन आएगा तो आज खबर मिल रही है, अमनपुरी में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की चुनावी सभा है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और बीएल वर्मा भी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर उतरेंगे, वोटर्स को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे क्यों मैनपुरी की जनता अब इतिहास बदल दे, ये बात बताने की कोशिश करेंगे। और समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं घर कहे जाने वाले क्षेत्र में क्यों कमल खिले, ये विश्वास जताने दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हर शख्स जो स्टार प्रचारक की भूमिका में हो सकता है, वो बड़ा नाम, वो मैनपुरी उतरेगा। और यहां पर जिसकी भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है वो जनता तक पहुंचेगा, ये समझाने की कोशिश करेगा कि मैनपुरी की जनता ये ऐतिहासिक फैसला क्यों ले कि वो बीजेपी को विजय दिलाए। तो उधर इटावा में राजनीतिक विरासत बचाने के लिए सपा ने भी दम लगाया हुआ है। शिवपाल सिंह यादव आज करहल और किशनी में जनसंपर्क करेंगे। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में शिवपाल यादव नुक्कड़ सभाएं करेंगे और खुद डिंपल यादव आज सैफई में जनसंपर्क अभियान चलाएंगी। यानी अभी हाई टाइम है, वक्त ज्यादा नहीं रह गया है। हर एक घर तक जनसंपर्क अभियान की गूंज हो, इसे बताने समझाने के लिए मैदान में कौन कौन उतरेगा समाजवादी पार्टी की ओर से, तो देखिए खुद प्रत्याशी डिंपल यादव, यादव परिवार की बहू जो कि प्रत्याशी भी हैं, वो उतरेंगी मैदान में, जनसंपर्क करेंगी। लेकिन जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा ये सब भी करेंगे कौन? शिवपाल सिंह यादव, बहू और प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का, क्योंकि हलचल इस वक्त तेज है और हो भी क्यों ना, इतना बड़ा मिशन है और उस मिशन में दोनों पार्टियां अपने अपने बेस्ट टूल के साथ मैदान में उतरी हैं। आज क्या क्या हलचल रहेगी, किस तरीके की तैयारियां रहेंगी नितिन? देखिए बिल्कुल, जैसे जैसे 5 तारीख नजदीक आ रही है, सैफई और पूरे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का जो सियासी तापमान है वो कहा जाए इस समय सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। और इसी क्रम में आज एक तरफ अखिलेश यादव हैं, वो आज दन्नाहार, औछा, घिरोर जो थाना क्षेत्रों में तमाम उनकी कई सारे कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। इसके साथ ही डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो आज सैफई ब्लॉक में प्रचार प्रसार करेंगी। कल वो किशनी में थी और एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि नेताजी के नाम पर मैनपुरी की जनता उन्हें एक बार फिर से लोकसभा भेजने का कार्य कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि 6 साल में कोई भी एक पैसे का विकास कार्य मैनपुरी लोकसभा में नहीं हुआ है। इसके साथ ही जो शिवपाल सिंह यादव हैं, वो आज उनके करैल और किशनी में कई सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। वहीं आदित्य हैं या तेज प्रताप हैं, सभी लोग पूरी तरह से मेहनत में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी यूनिट, वरिष्ठ जो लीडरान हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। बीजेपी ने भी पूरा फोकस मैनपुरी पर लगा दिया है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक आज आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है। इसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं और बेहतर तरीके से इस परिवार को जानते हैं, यहाँ के क्षेत्र को जानते हैं, वो भी आज मैनपुरी में हैं, वो भी चुनाव प्रचार में हैं। बीएल वर्मा हैं, योगेंद्र उपाध्याय हैं, सुब्रत पाठक हैं, जयवीर सिंह हैं, रामनरेश अग्नोत्री हैं, नंबर ऑफ लीडर्स जो बीजेपी के हैं, टॉप लीडरान हैं, वो भी पूरी तरह से इस इलेक्शन में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में कहा जाए मैनपुरी लोकसभा चुनाव इस समय पूरे देश में इतना जबरदस्त तरीके से कहा जाए इसका हाइप देखने को मिल रहा है। और इस बार जो इलेक्शन में मैनपुरी में जो मूवमेंट बना हुआ है, ऐसा शायद पहले कभी देखा गया हो कि इतनी बड़ी फौज दोनों पार्टी के नेताओं की एक लोकसभा क्षेत्र में, पहले तो शायद न कभी देखा गया हो, जो इस बार देखने को मिल रहा है। जबरदस्त सियासी तपिश इस बार देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल नितिन, देखिए यहाँ विश्वास है समाजवादी पार्टी को अपने घर में अपने लोगों पर,
तो वहीं हौसला है बीजेपी को कि हम ये चुनाव जीत जाएंगे। विश्वास और हौसले की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। तो आपको बताएं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा पर एक बार फिर ट्वीट करके हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और कहते हैं कि यूपी में जनता के आशीर्वाद से न चल पाएगी साइकिल, न चल पाएगा हैंडपंप, मैनपुरी खतौली रामपुर उपचुनाव में खिलेगा कमल, सुशासन विकास और सुरक्षा का कमल, अपराध गुंडागर्दी दंगों से मुक्ति के लिए कमल ही कमल खिलाएंगे, गठबंधन को हराएंगे। तो देखिए, ये जीत का दावा करने वाला ट्वीट लिखा है। इसी के साथ आठ की आवाज में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।